अरे छुआ गया यार ये वीडियो में आ रहा था एक सिर पे पड़े अपना कौन ठीक है वो ओपन का भी निकला जी भाई। पिछले एक घंटे से हमारी ट्रेन खड़ी है टिटलागढ़ जंक्शन पर, यहाँ से हिली नहीं रही है भाई साहब। बहुत बड़ा इशू हो गया, पहले इलेक्ट्रिक पैनल में चूहा घुस गया, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा स्मेल आ रहा है, फिर धुआं निकल रहा है, फिर बाद में चैन पुलिंग किया गया, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया फ़ोन करके, उसके बाद भाई इलेक्ट्रिशियन साहब आए, तो फिर बाद में ऐसे कैसे घंटों बाद उसको बनाया गया, अंदर से इतना बड़ा चूहा निकाला गया, आप वीडियो में देख लेना ऐसा बड़ी मशक्क़त हुई। ये तो ठीक हो गया, तो ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिला कि नहीं, फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गया, अभी लगा रहे हैं, अब देखो कब तक टाइम लगेगा कुछ पता नहीं भाई साहब, दिमाग ख़राब हो चुका है। वो तो अच्छा हुआ स्टेशन पे सब कुछ हो गया, वरना आगे बीच रास्ते में कुछ ऐसा कांड होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, ये समझो बड़ा हादसा होने से बच गया भाई, भगवान बचाए भाई, भगवान ने रक्षा किया। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो हाँ जी भाई साहब, आपके सामने पेश है एक और धमाकेदार ट्रेन जर्नी। आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12145 LTT मुंबई से पुरी के बीच में, 12145 डाउन मुंबई LTT से पुरी के बीच में आज की यात्रा हो रही है हमारी। टोटल 22 हॉल्ट के साथ में हम लोग कवर करेंगे 1878 किलोमीटर की जर्नी। तो भाई साहब ब्लॉग को पूरा देखना, अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करने का प्लान कर रहे हैं तो भाई ब्लॉग को लाइक करना, ब्लॉग को शेयर करना और मेरे साथ कंटिन्यूस जर्नी का आनंद लेना। भाई साहब वाया नागपुर जा रहे हैं तो इन्जॉय करेंगे। अभी हम लोग ने लोकमान्य तिलक टर्मिनल से यानी कुर्ला से दो पानी की बोतल ली, रेल नीर, हमने भैया को 100 का नोट दिया और भैया हमें रिटर्न कर रहे हैं 60 रुपये। भाई ये गलत है ना, 70 रुपये आप दीजिए भाई, अब जैसे किसी को मालूम नहीं हो तो ले ही लेगा ना, अब हमको मालूम है तो हमने बोला ये गलत है भाई, आप 70 रुपये रिटर्न करिए हमको, तो भाई ऐसा मत कीजिए। अब सामने वाला जब पीने के बाद देखिएगा आप प्रिंट रेट 15 रुपये कितना दुख होगा उसको, तो भाई गलत मत लीजिए, कितना मेहनत से पैसा आता है। तो प्लीज़ भाई स्टॉल वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई ऐसा गलत मत करिए, 20 में मत बेचिए, 15 में पानी का बोतल बेचिए और रेलेर ही कर दिए आप लोग, आप लोग ये बात ध्यान में रखिए। कि जो हमारी ट्रेन जर्नी वो होने वाली थर्ड एसी कोच में, कोच है B1 और भाई कोच एकदम चकाचक के, सीट है लोअर 52 नंबर, मज़ा आ गया भाई, आज तो ट्रेन जर्नी कमाल है वाली, फुल मज़ा आएगा। ऑलमोस्ट कोच यहीं से पूरी पैक हो चुकी है भाई साहब, अंदर क्या ही दिखाएं, लेकिन 2022 का मैन्युफैक्चरिंग है जी भाई साहब। निर्धारित समय से 8:35 पर हमारा डिपार्चर हो चुका है LTT मुंबई से। चलिए आपको दिखाते हैं ट्रेन का डिपार्चर।
हाँ जी भाई, निर्धारित समय से 6 मिनट की देरी से हम लोग आ पहुँचे हैं कल्याण जंक्शन, जिसके स्टेशन कोड है KYN और हमारी ट्रेन का यहाँ पर टोटल 3 मिनट का हॉल्ट है। और भाई साहब कल्याण स्टेशन पे रश देखिए तो भाई कितना रश लग रहा है, सारी पब्लिक हमारी ट्रेन पे चढ़ने वाली है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। भाई साहब कल्याण स्टेशन पर भीड़ तो देखिए, फाइनली भाई साहब बहुत ज़्यादा भीड़ है, लग रहा है सारे लोग हमारी ट्रेन में बोर्ड करने वाले हैं। देखिए ये पूरी भीड़ बची है कल्याण जंक्शन पर, टोटल प्लेटफॉर्म 8 है और रोजाना यहाँ पर 286 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती हैं। और भाई साहब लोकल का तो हब है, यहाँ से 2 लाइनें आती है, एक जाती है करजत की और एक जाती है कसारा की ओर, जिस पर अभी हम लोग चलने वाले हैं क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वाया नागपुर। हाँ जी, तो भाई साहब फाइनली 15 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन का डीले डिपार्चर हो चुका है कल्याण जंक्शन से। तो कुछ ऐसा है नज़ारा, स्टेशन पे काफ़ी भीड़ है भाई, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई भाई 15 मिनट। हाँ वैसे यहाँ से रूट चेंज होना है क्योंकि यहाँ से 2 रूट डिवाइड हुए हैं, एक जाता है करजत की तरफ, एक जाता है कसारा की तरफ, जिस पर अभी हम लोग चलेंगे। तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इशूज़। मध्य रेलवे का नाशिक रोड स्टेशन पर आपका स्वागत है, कृपया। जो निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं नासिक रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NK और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। टोटल प्लेटफॉर्म 4 है और रोजाना यहाँ पर 145 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती हैं। हाँ जी, तो भाई साहब फाइनली 5 मिनट के हॉल्ट के बाद नासिक रोड रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। लगभग जितनी भी सीटें खाली थी लगभग वो सारी यहाँ से पैक हो चुकी है, मतलब पूरी ट्रेन यहाँ से हो चुकी है फुल। बाय बाय नासिक रेलवे स्टेशन। तो हाँ जी भाई साहब, रात के बज रहे हैं 12:15 और हमने खाना पीना खा लिया, आपने देखा ही हमने घर से खाना लाया था, तो वही भाई होममेड। और वैसे पेंट्री का खाना भी, जिस पहले दिन गाड़ी निकलती तो जैसे ट्रेन लगती है स्टेशन में वैसे ऑर्डर लेना शुरू होता है, तो अगर आप खाना नहीं लाते तो पेंट्री से भी खाना खा सकते हैं। और अच्छी पैकिंग है, मैंने देखा पैकिंग अच्छा, मतलब अच्छा प्रेफर कर रहा है सब कुछ। और पानी बोतल पर रेल लिख पे जा रहा है, ये बढ़िया है। तो अब हो गया सोने का वक्त, नासिक रेलवे स्टेशन से हमारा डिपार्चर हो चुका है, आपने डिपार्चर देखा। अब तक की जर्नी कैसी रही हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई साहब, अपना फीडबैक ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे सुबह सीधे नागपुर में, तब तक के लिए गुड नाइट। Thank you.
वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम डे टू। निर्धारित समय से 15 मिनट की देरी से हम लोग आ पहुँचे नागपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NGP और टोटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे 8 है। और आ जाना यहाँ पर 239 ट्रेनें आकर हॉल्ट कर दी। नागपुर जंक्शन टॉप 10 बुकिंग रेलवे स्टेशन में से एक है और भाई इसे ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से टोटल 4 लाइनें आती हैं, चारों दिशाओं में ट्रेन जाती है भाई, इसलिए यहाँ पर डबल डायमंड क्रॉसिंग भी बनाया जाता है। ऑरेंज और ऑरेंज में भी यहाँ का फेमस है, जब भी यहाँ पर आते हैं तो आप ज़रूर यहाँ से बाय करें। हाँ जी, तो भाई साहब 5 मिनट में हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर हो चुका है नागपुर जंक्शन से। ट्रेन डिले हो गई इसलिए ज़्यादा टाइम तो रुकाया नहीं और यहाँ से हमने ले लिया है ऑरेंज बर्फी, क्योंकि आपको दिखाते हैं ऑरेंज बर्फी। तो जी भाई साहब, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नागपुर के डबल डायमंड क्रॉसिंग पे। ये देखिए, दो लाइन इस तरफ है और दो लाइन हम चल रहे हैं और दो लाइन अपोजिट साइड में। ये देखिए, ये है पूरे भारत में खाली यहीं पर है। ये देखिए डायमंड शेप बन रहा, पूरा डबल डायमंड क्रॉसिंग नाम है इसका। जिन निर्धारित समय से 4 मिनट की देरी से हम लोग आ पहुंचे हैं रायपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है R और टोटल प्लेटफॉर्म यहाँ पर 8 है। और रोजाना यहाँ पर 154 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती हैं। रायपुर जंक्शन पर हमारी ट्रेन का टोटल 10 मिनट का हॉल्ट। और भाई स्टेशन की साफ सफाई की बात करें तो स्टेशन A1 है, नीट एंड क्लीन। रुके, आपको दिखा रहा हूँ कुछ ऐसा स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 7 है और बाकी कुछ ऐसा उस साइड ऊपर कुछ काम चल रहा है ब्रिज का। और देखिए ये हमारी खड़ी है, सामने खड़ी हमारी पूरी एक्सप्रेस। भाई बहुत सुंदर स्टेशन है। हाँ जी भाई साहब, तो फाइनली रायपुर से 10 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। Thank you.
हाँ जी, 1320 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे अपने 14वें हॉल्ट पे टिटलागढ़ जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है TIG। और हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची 4 मिनट बिफोर, और हमारी ट्रेन का यहाँ पर टोटल 20 मिनट का हॉल्ट है। हमारी ट्रेन का होगा यहाँ से लोको रिवर्स, यानी हम लोग जिस डायरेक्शन से आ रहे थे उसी डायरेक्शन में फिर से रिवर्स जाने वाले, इसलिए लोको आगे से पीछे लगने वाला है, इसलिए 20 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है। टोटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे 5 है, और रोजाना यहाँ पे 68 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती हैं। जंक्शन स्टेशन है ये, आता है संबलपुर डिवीजन में। तो फाइनली हमारी ट्रेन की कपलिंग हो चुकी है, उस डायरेक्शन में लोकोमोटिव लग चुका है, विशाखापट्टनम लोको शेड का है। अभी हम लोग इस साइड से आए थे और इसी साइड में जाएंगे, तो ऐसा ये देखो यहाँ पे कपलिंग हो रही है। अरे छुआ गया यार, ये वीडियो में आ रहा था एक सिर्फ में पड़े अपना कौन ठीक है जी। भाई पिछले 1 घंटे से हमारी ट्रेन खड़ी है टिटलागढ़ जंक्शन पर, यहाँ से हिली नहीं रही है। भाई साहब बहुत बड़ा इशू हो गया, पहले इलेक्ट्रिक पैनल में चूहा घुस गया, पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा स्मेल आ रहा है, फिर धुआं निकल रहा है, फिर बाद में चैन पुलिंग किया गया, लोको वगैरह सब कुछ लग गया था रिवर्स डायरेक्शन के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन को बुलाया गया फ़ोन करके, उसके बाद भाई इलेक्ट्रिशियन साहब आए, तो फिर बाद में कैसे कैसे घंटों बाद उसको बनाया गया, अंदर से इतना बड़ा चूहा निकाला गया, आप वीडियो में देख लेना। वैसा बड़ी मशक्कत हुई, ये तो ठीक हो गया, तो ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिला कि नहीं, फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गया कि बदला नया जो इंजन लगा था उसका एयर सिस्टम ख़राब हो चुका है। मतलब सब कुछ सही है, खाली एयर सिस्टम ख़राब है, तो भाई ट्रेन कैसे चलेगी, आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो उसके चक्कर में उस इंजन को हटाया गया, जिस इंजन से हम लोग आए थे उसी इंजन को फिर रिवर्स डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, अभी लगा रहे हैं। अब देखो कब तक टाइम लगेगा कुछ पता नहीं, भाई सब दिमाग ख़राब हो चुका है। वो तो अच्छा हुआ स्टेशन पे थे, सब कुछ हो गया, वरना आगे बीच रास्ते में कुछ ऐसा कांड होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। ये समझो बड़ा हादसा होने से बच गया भाई, भगवान बचाए भाई, भगवान ने रक्षा किया। हाँ जी, तो भाई साहब फाइनली 1 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, सब कुछ सही होने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन एक बार फिर भगवान का नाम लेके जय जय बजरंगबली बोलकर निकल चुकी है टिटलागढ़ जंक्शन से। आगे सब कुछ कुशल मंगल हो भाई, यही कामना है। बहुत दिक्कत हो गई भाई, फाइनली रफ्तार पकड़ ली हमारी ट्रेन ने। देखिए यही वो लोकोमोटिव जो लगाया गया था, और भाई एयर रिलीज सिस्टम इसका खराब हो गया। निर्धारित समय से 50 मिनट की देरी से हम लोग आ पहुंचे हैं संबलपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है SBP। और भाई सब ट्रेन तो लगभग कवर कर ली थी टाइमिंग टिटलागढ़ के बाद, फाइनली उसके बाद फिर लेट हो गई। हमारी ट्रेन का यहाँ पर टोटल 10 मिनट का हॉल्ट है, टोटल प्लेटफॉर्म 4 है, और रोजाना यहाँ पर 7 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती हैं। तो फाइनली 10 मिनट के हॉल्ट के बाद अपना डिपार्चर हो चुका है संबलपुर जंक्शन से। भाई बहुत ठंड है यहाँ पे, पूरा UP ऐसा ठंड लग रहा है भाई यहाँ पे। जी भाई लोग फाइनली संबलपुर जंक्शन से अपना ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, और हमने खाना पीना सब कुछ खा लिया है, बस रेडी हैं सोने के लिए। और अब आपसे सीधा मुलाकात होगी सीधे डेस्टिनेशन पर, यानी हमारी जर्नी है भुवनेश्वर तक। वैसे ट्रेन जाती है पूरी तक, तो चलिए आपको इस ट्रेन का टाइमिंग भी और बता देते हैं। तो भाई ट्रेन हफ्ते में खाली एक दिन चलती है, संडे को चलती है मुंबई LTT से, संडे को चलती है 8:35 पर LTT से, और फिर तीसरे दिन आपको अर्ली मॉर्निंग 6:55 पर पहुंचा देती है पूरी जगन्नाथपुरी। तो भाई साहब अगर आप जगन्नाथपुरी के लिए प्लान कर रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो मुंबई से ये ट्रेन बढ़िया वीकली और सुपरफास्ट ट्रेन भी है, लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है टेक्निकल इशू, तो उससे ट्रेन थोड़ा डिले हो जाती है, जैसे कि आज हमारे साथ हुआ है। टिटलागढ़ वाली स्टोरी आपने रिसेंट में देखी होगी,
अगर नहीं देखे हुए तो फिर से ब्लॉग को देख लेना और ब्लॉग को शेयर भी करना। अगर आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आपसे सीधा मिलते हैं डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। निर्धारित समय से एक घंटा 40 मिनट की देरी से हम लोग आप पहुंचे भुवनेश्वर, जिसका स्टेशन कोड है BBS और टोटल प्लेटफॉर्म पर 6 है और रोजाना 200 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती हैं। और ट्रेन की तो ऐसी की तैसी हो गई भाई, इससे आपको उस ट्रेन की पंचुअलिटी का पता लग जाता है। ऑल ओवर जर्नी बहुत बढ़िया था, सब कुछ ओके था, बाथरूम वगैरह बहुत क्लीन था, सब कुछ पानी वगैरह आ रहा था, लेकिन खाली डिले हो गए। ट्रेन डिले तो होना ही है भाई, फॉग का मैटर है, बहुत ज़्यादा फॉग है, ठंडी है। फिलहाल करंट टेम्परेचर है भुवनेश्वर का 16 डिग्री। That's all guys from this vlog, मिलते हैं आपसे एक नए vlog में, तब तक के लिए हमारे इस vlog को लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें इस vlog को, भाई साहब जितना हो सके उतना शेयर करें। और हाँ, चैनल पर पहली बार हो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मेक श्योर वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और भाई 2024 की शुरुआत धमाकेदार हुई है तो भाई प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।